हिंदुत्व, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत। आज के समय में पूरी दुनिया के 70% लोग इन चार विचारधाराओं के अनुयायी हैं, और ऊपरी तौर पर इन चारों में हमें कोई तालमेल दिखाई नहीं देता, बल्कि चारों की परंपराएं, मान्यताएं और तौर तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। लेकिन मैं कहूं कि इन चारों विचारधाराओं की उत्पत्ति का उद्गम एक ही है तो शायद आप यकीन न कर पाए। चलिए इस विषय पर एक तार्किक विश्लेषण करते हैं। बात शुरू करते हैं ईसाइयों और यहूदियों के अब्राहम से, जिन्हें मुसलमान इब्राहिम कहते हैं। ईसा से करीब 2000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया के हराम नामक स्थान में जन्मे अब्राहम अपनी जवानी में हराम शहर से पलायन को मजबूर हुए और वहां से कानान चले गए। उन्होंने स्वात की रहने वाली सारा से विवाह किया। हाजरा उनकी दूसरी पत्नी थी। इन दोनों से उन्हें कई संतानें हुई, इसहाक, इस्माइल, जिमरान, जिक्शान, मिदान और सुआ। इब्राहिम के पोते याकूब थे, जिनका एक नाम इसराइल भी था। इन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था यजूदा या यहूदा। इसी यजूदा की संतानों को आगे भी कई निर्वासनों का सामना करना पड़ा और आगे चलकर यजूदा की संतानें ही यहूदी कहलाईं। 500 वर्षों के कई निर्वासनों के बाद आखिरकार इसराइल की ये संतानें यहूदी के रूप में यरूशलम के आसपास बसने में कामयाब हुई और उस स्थान को उन्होंने इसराइल का नाम दिया। लेकिन जल्द ही उनका यह पवित्र स्थान फराओ बादशाह रामासिस द्वितीय ने कब्जा लिया और यहूदी फराओ के गुलाम हो गए। फिर करीब 1500 ईसा पूर्व में इन्हीं की जाति से मोजेस का जन्म हुआ, जिन्होंने फराओ के कब्जे से इसराइल को मुक्त कराया और यहूदियों के पैगंबर के रूप में स्थापित हुए। यहाँ तक की कहानी यहूदी धर्म के साथ साथ ईसाइयत और इस्लाम में भी एक समान है। अब सवाल ये उठता है कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के यह पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम ही भारत के पौराणिक ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? भारत के अनेकों पौराणिक ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मा को चारों वेदों का रचयिता कहा जाता है और वेदों की ऋचाएं बताती हैं कि आर्य बाहर से आए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह साबित किया है कि आर्य बाहर से आए। महापंडित राहुल सांकृतियान ने अपनी किताब वोल्गा टू गंगा में भी यह साबित किया है कि आर्य बाहर से आए। बाल गंगाधर तिलक से लेकर भारत के अनेकों विद्वानों ने यह साबित किया है कि आर्य बाहर से आए। इतिहास के अनुसार आर्य ईरान से भारत में करीब 1800 ईसा पूर्व में आए। उस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। अब सवाल यह है कि आर्यों का यहूदियों से क्या संबंध है? असल में अब्राहम के दौर से ही उनकी संतानों को निर्वासन और पलायन के लंबे दौर से गुजरना पड़ा। यहूदियों की उत्पत्ति के उथल पुथल भरे इसी शुरुआती दौर में अब्राहम की संतानों के कई छोटे बड़े दल इधर से उधर अनेकों स्थानों पर जा बसे। इन्हीं में से एक दल थोड़े समय के लिए ईरान में बसा। ईरान का प्राचीन नाम आर्यन ही है। सवाल अब भी वही है कि ब्रह्मा ही अब्राहम है, इसका प्रमाण क्या है? असल में जिन्हें ईसाई, यहूदी और मुसलमान अब्राहम या इब्राहिम कहते हैं, उनका नाम अब्राहम नहीं बल्कि ब्राह्म था। अरब और इजरायली संस्कृतियों में मामूली भाषाई अंतर के कारण ब्राह्म अब्राहम हो गए, क्योंकि अरबी संस्कृति में किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान देने के लिए उसके नाम के आगे अलिफ का अ जोड़ दिया जाता है। इसलिए ब्राह्म के नाम के साथ अ जोड़ देने से वे ब्राह्म से अब्राहम हो गए। एक उदाहरण से समझिए। महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु प्लेटो को अरबी संस्कृति में अफलातून कहते हैं। प्लेटो और अफलातून दोनों नामों में तो कोई समानता दिखाई नहीं देती। प्लेटो और अफलातून दोनों एक ही व्यक्ति है। असल में प्लेटो को अरबी में बोलेंगे तो होगा प्लेटो, क्योंकि अरबी भाषा में प और ट जैसे शब्दों का अस्तित्व ही नहीं है। अरबी में प को फ और ट को ता बोला जाता है, इसलिए प्लेटो वहां की भाषा में प्लेटो हो गए और नाम के आगे सम्मान पूर्वक अलिफ का अ भी जोड़ देने से अफलातून हो गए। इसी तरह आर्यों के ब्राह्म ही आगे चलकर अरब यूरोपियन संस्कृति में अब्राहम या इब्राहिम कहलाए और यही ब्राह्म ब्रह्मा हो गए। कुछ और सबूत देखिए। लोगों के नाम के साथ उनके स्थान का नाम भी जोड़ने की परंपरा कई संस्कृतियों में रही है और आज भी है। यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की मान्यताओं के अनुसार अब्राहम की पत्नी का नाम सारा था और वह स्वात घाटी की रहने वाली थी। इस तरह अब्राहम की पत्नी का नाम सारा स्वाती हो जाता है और ब्रह्मा की पत्नी का नाम भी सरस्वती है अर्थात सारस्वती। अब्राहम को मानने वाले यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की मान्यताओं के अनुसार वे तीनों ही बुत परस्ती अर्थात वर्शिपिंग ऑफ थिंग्स को गलत मानते हैं। इसे अब्राहम को मिले ईश्वर के आदेश से जोड़ते हैं। इधर ब्रह्मा की पूजा भी अवैध है। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। इसके पीछे कहानी जो भी गढ़ी गई हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अब्राहम या इब्राहिम की तरह ब्रह्मा की भी परस्ती नहीं होती अर्थात पूजा नहीं होती।
सफेद दाढ़ी में दर्शाए गए ब्रह्मा कमल के फूल पर विराजमान हैं। अब्राहम और इब्राहिम को भी कमल पसंद है, इसी वजह से यहूदियों के सभी गिरजाघरों में कमल की आकृति देखने को मिलती है। ईसाइयों के चर्च में दर्शाए गए स्वर्ग की पेंटिंग में भी कमल की आकृति उकेरी जाती है और मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों में भी कमल की आकृति देखने को मिलती है। भारतीय संदर्भ में ब्रह्मा जी का चित्रण सफेद दाढ़ी के साथ दिखाई देता है, जो ईसाई और यहूदियों की संस्कृतियों के अब्राहम के चित्रण से बिल्कुल मेल खाता है। यह सभी बातें मिलकर यह दर्शाती हैं कि आज परस्पर और एक दूसरे के विरुद्ध दिखाई देने वाली सभी संस्कृतियों के तार आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समय के अंतराल में विभिन्न धर्मों का रूप धारण किया है और वर्तमान में ये सभी धर्म पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बनकर आम जनता का शोषण कर रहे हैं।